हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कड़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे शब्दों की जिनकी सहायता से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, भावबोधक शब्द कहते हैं, जिनके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इनकी सहायता से हम आगे जाके ऐसे कुछ शब्द बनाएंगे। यह सरल भी है और सुंदर भी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स ऑल्सो सिंपल एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल। जैसे हैरानी, खुशी, नाराजगी, ऐसे शब्द हम आमतौर पर यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं तो आप क्या कहोगे? ये तो एक शुभ समाचार है। तो आप कहेंगे दैट इज़ ए गुड न्यूज़। जब आप किसी के छोटे बच्चे को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? कितना सुंदर है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ लवली। जब कोई इंसान या बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देने के लिए हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल डन। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे वंडरफुल। यदि कोई छात्र अपनी कक्षा में किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स या 99 मार्क्स ले आता है तो ऐसे बच्चों को शाबाशी देने के लिए हम उसे कहते हैं एक्सीलेंट। और एक्सीलेंट को हिंदी में कहते हैं बहुत बढ़िया। जब हम किसी से किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो हमें उस घटना के बारे में पता नहीं होता है तो हम कहते हैं सचमुच में ऐसा हुआ था। तो सचमुच के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं उसे रियली कहते हैं। और यही बात तीसरे व्यक्ति को पता होती है तो वो कहता है हाँ ऐसे ही हुआ था। तो हाँ ऐसे ही के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं यस इट इज़। और यदि कोई छोटा बच्चा आपसे बदतमीजी से बात करता है तो आप गुस्से में उससे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम्हारी इतनी हिम्मत को इंग्लिश में कहते हैं हाउ डेयर यू। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हाउ डेयर यू से दैट। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।